हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका वाइटी गैंस के एक और शानदार इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने यूट्यूब वीडियोस के ऊपर बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स पे भी बहुत ही अच्छे खासे व्यूज कैसे लेकर आ सकते हो। अगर दोस्तों अगर आपके चैनल पे 100, 200, 300 या फिर 1K तक सब्सक्राइबर्स है और आपका जो एवरेज व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इस वीडियो को यार एंड तक जोर से देखते रहना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने वाला हूं, जिसको दोस्तों अगर आप अपने चैनल पे अपने वीडियोस पे यूज़ करते हो तो आपका जो भी व्यूज़ आएगा वो एवरेज व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आने वाला है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जोर से देखते रहेगा। साथ ही में अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लेना, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों यहां से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि YouTube पे आखिर व्यूज कहाँ कहाँ से आता है, मतलब किन किन जगहों से आता है। तो दोस्तों YouTube पे व्यूज ब्राउज फीचर, नोटिफिकेशन या फिर YouTube सर्च, मतलब इन सारी जगहों से आता है। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो YouTube पे जो भी व्यूज आता है वो इन्हीं सारी जगहों से आता है। और दोस्तों अगर मैं अपने चैनल की बात करूँ कि मेरा जो भी मतलब ज्यादा व्यूज है वो कहाँ से आता है, तो दोस्तों ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि मेरे चैनल का जो भी व्यूज़ है वो कैसे आता है, यानी किन किन जगहों से आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है और ये कर लिया मैंने अपना YT स्टूडियो ओपन। और यहाँ पे दोस्तों मैं अपना रियल टाइम अगर व्यू दिखाऊं कि मेरा जो 48 आवर्स का जो भी व्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो रियल टाइम जो भी व्यूज़ है वो 7400 व्यूज़ आ रहा है रियल टाइम व्यू। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो रियल टाइम व्यू के नीचे दोस्तों जो मेरा टॉप वीडियोज़ है जिसपे मतलब ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है 48 आवर्स के अंदर, वो सारी वीडियो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे Nokia 6300 फीचर फोन दिखा रहा है, तो इस पे अभी 3500 व्यूज आ रहा है 48 आवर के अंदर। तो यहां पे आप देख सकते हो, मैं दोस्तों आपको अपना ट्रैफिक सोर्स दिखाता हूं कि जो भी मेरा व्यूज है वो मतलब किन किन जगहों से आ रहे हैं, यानी ब्राउज फीचर से आ रहे हैं, यूट्यूब सर्च से आ रहा है या फिर नोटिफिकेशन से आ रहा है फिर अदर से आ रहा है। तो यहां पे मैं चला जाता हूं रीच पे, रीच पे जाने के बाद यहां पे आप ट्रैफिक सोर्स देख सकते हो। अभी मैं दोस्तों मैं पहले आपको इंप्रेशन दिखा देता हूं, 1.2 मिलियन मेरा जो है इंप्रेशन गया एक महीने के अंदर और CTR यहां पे आप देख सकते हो। और दोस्तों अगर ट्रैफिक सोर्स की बात करें तो यहां पे जो मेरा ट्रैफिक सोर्स है वो YouTube सर्च से दोस्तों कितना रहे 53%। यानी दोस्तों ये काम कैसे कर रहा है मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखा दे रहा हूँ। अगर कोई भी बंदा मेरे YouTube अपना ओपन कर रहा है और मेरा टॉप पे जो वीडियो पे व्यू आ रहा है, जैसे 3500 व्यूज़ मैंने दिखाया था, उसका नाम था Nokia 6300, तो मैं उसको सर्च कर लेता हूँ, उस टाइटल को यहाँ पे आप देख सकते हो आ चुका है। और सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी वीडियोज़ आ रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है वो यहाँ पे रैंक कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, मतलब 5-6 वीडियो के नीचे मेरा जो वीडियो है वो यहाँ पे आ रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर ये मेरा वीडियो मतलब सर्च पे कैसे आ रहा है, और इस पर वीडियो काफ़ी सारी बन रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइटल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बन रखी है और मेरा ही वीडियो क्यों ऊपर आ रहा है। और यहाँ पे मेरी वीडियो पे अभी भी आप व्यूज़ अगर देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 4 महीने के अंदर 5,08,000 व्यू यहाँ पे शो कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर ये मेरा जो वीडियो भी यहाँ पे रैंक कैसे कर रहा है, मतलब सर्च करने पे मेरा वीडियो टॉप 5 के अंदर कैसे आ जा रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियोज़ को सर्च के अंदर कैसे लेकर आ सकते हो, यानी कोई भी वो टाइटल सर्च करता है तो आपका वीडियो कैसे रैंक कर सकता है। और दोस्तों अगर आपका वीडियो टॉप 10 के अंदर रैंक कर गया ना तो आपके वीडियोज़ पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे। दोस्तों आप सोच भी सकते हो अगर आपका वीडियो सर्च के अंदर आ गया ना तो आपके वीडियोस पे बहुत ही ज्यादा व्यूज आ जाएगा। अब ये जो दोस्तों आप वीडियो देख रहे हो 4 महीने पहले का, और 4 महीने पहले मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे वो 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, अभी तो 15,000 होने वाला है मेन चैनल के ऊपर, और ये जो वीडियो वो मेनी चैनल का है। तो मेन चैनल के ऊपर दोस्तों मेरा जो सब्सक्राइबर्स था 4 महीना पहले वो मात्र 5-6 हज़ार था, और उस टाइम दोस्तों ये वीडियो काफी अच्छा रैंक कर गया। दोस्तों आप देख सकते हो आज के टाइम में 5 लाख से ज्यादा व्यूज है और इस वीडियो पे 3500 व्यूज अभी डेली का आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट की कि हम भी अपनी वीडियोस को सर्च इंजन के अंदर कैसे रैंक कराएं, यानी कोई भी बंदा कुछ भी टाइटल सर्च करते हैं और मैंने उस पर वीडियो बना रखा है तो हमारा वीडियो टॉप 10 के अंदर कैसे शो करे। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको एक साफ साफ बात बताना चाहूंगा, ये सब खेल होता है दोस्तों SEO का। अगर आप अपनी वीडियो का SEO कमाल से करते हो, यानी बहुत ही अच्छे से करते हो, तो आपकी वीडियो जरूर से रैंक कर जाएगी। और दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि SEO क्या होता है, तो दोस्तों SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो यूट्यूब है वो एक सर्च इंजन, यानी कुछ भी लोग यहाँ पे सर्च करते हैं तो उसके रिकॉर्डिंग YouTube अपनी सारी वीडियोस को शो करता है। और अगर आप अपनी वीडियो का SEO अच्छे से करते हो तो आपका भी वीडियो काफी अच्छा रैंक कर जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर ये SEO करते कैसे हैं। अब दोस्तों यहाँ से मैं फिर से अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और आप इस स्क्रीन पे देखना, मैं आपको बता दूं कि SEO करते कैसे हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी वीडियो को अपलोड करना है, और अपलोड करने के टाइम दोस्तों आपको अपनी वीडियो को अनलिस्टेड करके अपलोड करना है। हालांकि दोस्तों अगर आप कहोगे कि वीडियो शुरू से मतलब कैसे एक्सपोर्ट करके कैसे अपलोड करते हैं और कहां से अपलोड करना चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बहुत जल्द लेके आ जाऊंगा अगर आप कमेंट करके बताओगे तो कमेंट करके जोर से बताना कि क्या मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए फिर नहीं, तो कमेंट जोर से करना। अब दोस्तों वीडियो अपलोड करने
के बाद आपको अपनी वीडियो को अनलिस्टेड में अपलोड करना है। अनलिस्टेड में दोस्तों अपलोड करने के बाद आपको वाईटी स्टूडियो में जाना है। वाईटी स्टूडियो में जाने के बाद इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है, इसको एडिट बटन कहते हैं, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको आपने जो भी अपना टाइटल दिया है यहाँ पे देख सकते हो, जो भी टाइटल, इन सबको कॉपी कर लेना है। पूरे सबको कॉपी करके आपको अपने डिस्क्रिप्शन के पूरे टॉप पे मतलब इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप अपने चैनल के बारे में कुछ भी लिखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिख देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टॉपिक कवर्ड करके यहाँ पे एक मतलब लाइन लिखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों आपको टैग्स अब ढूंढने, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ टैग्स आप कैसे ढूंढ सकते हो। जैसे कि मैंने बनाया रियलमी 9 प्रो पे वीडियो, तो मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ रियलमी 9। अब यहाँ पे दोस्तों रियलमी 9 सर्च करने के बाद ये जितने भी दोस्तों कीवर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, जितने भी कीवर्ड्स हैं इन सबको आपको अपने डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट करना है। अब कॉपी कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे Realme 9 लिखा मैंने, तो इस पर क्लिक करना है, इसको ऐसे सबको ऐसे क्लिक करने के बाद इन सबको कॉपी करके फिर आप चले जाना अपने YT स्टूडियो में। YT स्टूडियो में जाने के बाद यहाँ पे आप लाके फिर पेस्ट कर देना, फिर ऐसे कॉपी पेस्ट करके ऐसे सब कुछ लगा देना। और ये कॉमा दोस्तों जरूर देना, एक कीवर्ड लिखने के बाद आपको एक कॉमा देना है, फिर दूसरा डालना है, फिर ऐसे करते करते सबको मतलब जितने भी वहाँ पे कीवर्ड शो करे उन सबको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। इतना सब कुछ करने के बाद इन सबको अब आपको कॉपी करना है और आपको जाना है क्रोम ब्राउजर में, और क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको इन सभी को टैग्स वाले ऑप्शन में जाके पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप पेस्ट करोगे सारे ऐसे अपने आप कीवर्ड बन जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो सारा आपका टेक्स्ट अपने आप लग जाएगा, आपको बस कॉपी करके पेस्ट करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको अपने डिस्क्रिप्शन में जाना है और ये जितने भी टैग्स हैं इनको अब ऐसे लिखना है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन कॉमा को हटाना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब इसको एक स्कैम कहता है, तो आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखना है, आपको एक एक करके ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे करके आपको लिखना है, मतलब एक के बाद एक नीचे, ठीक है। तो आप ऐसे लिख देना, अब इसको कर देना पब्लिश। यहाँ पे आप जाने के बाद फिर इसको वीडियो को अपने पब्लिश कर देना और इसको सेव कर देना। हालांकि दोस्तों इस वीडियो में मैं उतना डीपली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी खिंच जाएगी, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हो। हालांकि दोस्तों टैग्स कैसे फाइंड करते हैं, यानी जो भी वायरल होने वाले टैग्स होते हैं उसको हम कैसे कॉपी कर सकते हैं, यानी कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं इस पर वीडियो बहुत जल्द लेकर आ सकता हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस पर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो कमेंट के नीचे बताना कि अगर आपको टैग्स निकालने नहीं आता है और वायरल टैग्स कैसे निकाल सकते हो और अपने वीडियो के अंदर कैसे लगाना है, तो सब चीज़ मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करते हो तो कमेंट के नीचे जोर से बताना। और दोस्तों SEO का मतलब दोस्तों यही होता है कि आपका जो भी कीवर्ड है वो आपके टाइटल में होना चाहिए, टाइटल के साथ साथ आपके डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जो होना चाहिए वो आपके टैग्स में भी होना चाहिए। और ये जो तीनों चीज़ें जब मैच करेंगी तो यूट्यूब का सिस्टम आपकी वीडियो को रैंक कराना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपका वीडियो रैंक होने लगेगा, कोई भी अगर सर्च करेगा तो सबसे पहले आपका तो वीडियो थोड़ा नीचे आएगा, कम सब्सक्राइबर्स है और बड़े सब्सक्राइबर्स वाले ने उस पर वीडियो बना रखा है तो आपका वीडियो ऑब्वियसली बात है कि नीचे थोड़ा शो करेगा। बट अगर आपका थंबनेल अच्छा होता है दोस्तों, यानी थंबनेल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने थंबनेल बहुत ही फाड़ू बनाया है तो वो बंदा आपकी वीडियो पे भी क्लिक कर सकता है और आपके भी व्यूज बहुत अच्छे खासे आ जाएंगे। तो थंबनेल आपको बहुत ही कमाल का बनाना है, आपको थंबनेल कैसे बनाना है मैं इस पर भी बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। मेरा आप थंबनेल देख सकते हो, काफ़ी अच्छी खासी मैं मेरे ख्याल से थंबनेल में बनाता हूँ। तो अगर आपको जाना है तो कमेंट के नीचे सब कुछ बता देना, जिस जिस चीज़ के बारे में जानना है मैं सब पे वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर कुछ यही थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जोर से कर दीजिएगा, साथ ही में अगर आपने अभी तक इस YT Gains YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा के बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।